hello friends welcome to my YouTube channel Hello guys welcome back to the another session of Agripot In this session we are going to discuss about soil erosion and conservation. In this we are going to discuss about water erosion. So let's get started. ट इज सॉयोजन सॉइल इरोजन इम्प्लाइज द फिजिकल रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाई वेरियस एजेंट्स इंक्लूडिंग रेन वाटर फ्लोइंग ओवर एंड थ्रू द सॉइल प्रोफाइल विंड ग्लैशियर्स और ग्रेविटेशन पुल अगर किसी कारण अगर हमारा जो सॉइल का जो टॉप जो ऊपर का जो हिस्सा है अगर किसी कारण वो रिमूव हो जाते हैं उसका हम क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन तो सभी चैप्टर का एक बाप ऐसा नो एक फादर होता है तो इसका बाप कौन है इसका बाप है एच एच बेनेट उसका पूरा नाम है ह्यूज हेमन बेनेट उनका पूरा नाम है ह्यूज हेमन बेनेट तो इनको इन क्यों बोला जाता है फादर ऑफ सोलिजेशन क्योंकि ड्यूरिंग 1930 में थोड़ा चले जाते हैं ड्यूरिंग 1930 क्या हुआ था डस्ट बाउल हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसा न तो विंड इरोजन के वजह से सारा का सारा जो फर्टाइल सॉइल था वहाँ का वो चला गया था विंड इरोजन की वजह से सो दैट द प्रोडक्शन हैज़ बिन डिक्रीज देर एंड फेमन हैज है ठीक है तो इन्होंने क्या क्या था उस टाइम कैंपेन चलाया था उन्होंने कैंपेन चलाया था टू अवेयर द पीपल एंड दोलिटिक पोलिटिशियट there is a conspicuous effect of erosion is there so we should take some measures we should take some conservation measures तो इसलिए इनको बोला जाता है father of soil erosion In india में हर साल 16.35 टन पर हेक्टर ऑफ सॉइल हैज बीन इरडेड बट द परमिसेबल लिमिट इज ओनली 11.2 टन पर हेक्टर पीरियड ये बहुत बार पूछा गया सवाल है एग्जाम में कितना होता है 16.35 परमिशबल कितना है इलेवन पॉइंट टू इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना है दिमाग में एकदम छापा मार देना है सिक्सटीन पॉइंट थ्री फाइव इलेवन पॉइंट टू बहुत ज्यादा होता है लिमिट से अप्रोक्सीमेटली एप्र, फाइव टन पर एक्टर ज्यादा होता है ठीक तो है देन वाट आर द टाइप ऑफ सोल तो दरअसल थ्री टाइप का होता है वन इज वाटर इरोजन विंड इरोजन एंड वेव इरोजन तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हमारा टॉपिक वाटर इरोजन के बारे में आगे बढ़ते हैं

जब रेनफॉल गिरता है तो क्या होता है कि जब इनफिल्ट्रेशन बहुत ही पोअर हो उस सॉइल का और जब सॉइल कॉम्पैक्ट हो या सॉयल मतलब अनकवर्ड हो तो क्या होता है कि उस सॉयल जो डिसलोस करने में बहुत ही इजी होता है आफ्टर दैट देन इट विल जेनरेट ए रन ऑफ एंड द सॉइल पार्टिकल्स विल बी फ्लो विद द वाटर सो डिटैचमेंट ट्रांसपोर्ट डिपोजिशन these three processes are the important and occur very frequently first is detachment second is transport and third is deposition understood agribert then what are the various types of water erosion we are going to discuss about one by one and we will end up the class first process of water erosion is plus erosion this is not given in many of books but

ड्यू टू दैट फॉलिंग रेनड्रॉप्स इट डिसक्लोजेस द सॉयल पार्टिकल्स जब डिसक्लोज हो गया तब क्या हो गया वो सेपरेट हो गई जैसा ना सो वो वो इजिली फ्लो हो सकेंगे वन पर्सन टू द अदर पर्सन एंड द रिजल्ट एंड रन ऑफ ट्रांसपोर्ट द सॉयल पार्टिकल्स बारिश गिरा सॉयल पार्टिकल जो हो वो डिसक्लोज हो गए एंड वो रिमूव होगी डिटैचमेंट ट्रांसपोर्ट डिपोजिशन ये थ्री प्रोसेस आपको याद रखना है वो रेनड्रॉप की वजह से वो एक पार्टिकल कितने तक उठता है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो मीटर अब ग्राउंड एंड मूव अपू वन पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम दफ इम्पैक्ट उठा एंड जब वो गिरता है वो 1.5 मीटर तक वो इंपैक्ट रहता है ठीक है पॉइंट ऑफ इंपैक्ट द पार्टिकल्स ब्लॉक द स्पेसेस बिटवीन सॉल एग्रीगेट सो दैट द सॉल फॉर्म्स दैट रिड्यूसेस इनफिल्ट्रेशन एंड इंक्रीज रन ऑफ जब वो पार्टिकल्स गिरेंगे तो क्या करेंगे बाकी जो पोर्स एग्री पोर्स है वो उसको क्या कर देंगे वो कवर कर देंगे तो क्या हुआ इनफिल्ट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गया और इजी रन ऑफ मतलब ऑफ के लिए वो बहुत ही आसान होगा समझे और क्रॉस्ट पैदा करेगा तो ताकि क्या होगा अगर आप सीड शोक किए तो जर्मिनेशन भी बहुत ही मुश्किल होगा समझे आगे बढ़ते हैं देन सेकंड इज सीड इरोजन दिस इज द मोस्ट कॉन्स्पिक एंड डेंजरस वन ये दरअसल कहाँ पे दिखने को मिलता है हमारा एग्रीकल्चर लैंड में दिखने को मिलता है तो सीट इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल इन लेयर एंड एक लैंड है जहाँ पे मतलब कोई कवर नहीं है ओके कोई लैंड कवर नहीं है तो क्या होगा बारिश गिरा और ऊपर का जो सॉइल है वो आसानी से वो निकल गया मतलब एक पूरा का पूरा जो सीट था वो चला गया तो ऊपर का जो हिस्सा होता है मेनली वो फर्टाइल होता है कैसो ना एंड सॉयल न्यूट्रंस भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मेटर पाए जाते हैं तो ये सारा का सारा जो है वो उसके साथ ही रिमूव हो जाएंगे और द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज बोस्ट अन मतलब फार्मर को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा एक ऊपर का जो हिस्सा वो चलेगा बट द क्यूम्यूनिटी इम्पैक्ट अकाउंट पर है लास्ट सॉल लोसेस ओके अगर हर साल ऐसे ही रह, तो रहा मतलब होता रहेगा तो पूरा का जो पूरा जो फोटाइल लेर है वो रिमूव हो जाएगा और लैंड विल कन्वर्ट टू द इनफोटाइट क्वेश्चन ऐसे आता है इज dangerous? The द फार्मर एंड erosion. मोस्ट <laughs> Next नेक्स्ट इज erosion. मेनली दिस थिंग्स इज observed इन हिल slopes. ठीक है जब क्या होता है कि मतलब पानी जो स्पीड में आता है और धीरे से अगर कोई स्लोप में आ जाएगा तो क्या करेगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा ऐसा नो कॉन्सेंट्रेट करके ये क्या करेगा रील पैदा करेगा ऐसे रील पैदा करेगा यू यू कैन कैन सी सी इन दिस पिक्चर ओके ये रील पैदा करेगा ओके okay? तो द रील्स आर सैलो ड्रेनेज लाइन्स लेस देन थर्टी सी एम डीप इसको आप याद रखना है थर्टी सी एम डीप लेस देन थर्टी सी एम डीप एंड फिफ्टी सी एम वाइड मतलब लेस देन थर्टी एंड लेस देन फिफ्टी सी एम वाइड एंड डीप अंडरस्टूड द डिवलपेंट सरफेस वाटर कंसेंट्रेट इन डिप्रेशन कोई भी डिप्रेशन अगर मिल गया तो वो कंसेंट्रेट कर लेंगे एंड दे विल इरोड द सॉइल ऑफ दैट कंसेंट्रेट और डिप्रेशन अंडरस्टूड द रील इरोजन इज कॉमन इन बेयर एग्रीकल्चर लैंड पर्टिकुलरली ओवरग्रेज लैंड जहाँ पे ओवरग्रेजिंग होता है या इनफ्रेसली ट्ड सॉइल अगर अभी अभी हमने टील किया है देन इट विल बी द मोस्ट ऑब इरोजन इन दैट पर्टिकुलर एरिया अंडरस्टूड फॉर एग्जाम्पल अभी भी हमने एक लैंड को मतलब टिलेज किया है टिलेज ऑपरेशन किया है ओके okay, बारिश हो गया तो कहीं ना कहीं तो डिप्रेशन होगा तो वहां पे इस तरह का इरोजन देखा जाएगा पर दिस रिल्स यूजली कैन बी रिमूवल फार्मी अगर हम उसके बाद फिर से प्लाविंग किए तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं गली इरोजन ओके नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इरोजन और बहुत बार पूछा गया है, सवाल है इनमें से तो गोली इरोजन में क्या होता है जब आप रील को चेक नहीं करेंगे जब आप रील को चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा गोलीजन द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रील इज कॉल्ड गोली इरोजन द गोली फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड व्हेन द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द रील इज मोर देन सी सी यहां पे कौन लेस देन थर्टी सीएम डीप एंड लेस देन फिफ्टी सीएम वेट एंड यहाँ पे अगर आप अगर चेक नहीं करेंगे तो विथ क्या होगा वो बहुत ही बढ़ जाएगा और गली रीजन में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो गलीस आर डीपर चैनल्स दैट कैनॉट बी रिमूव बाई नॉर्मल कल्टीवेशन ये इतना बड़ा विर्थ है कि उसको हम नॉर्मल कल्टिवेशन करके हम रिमूव नहीं कर सकेंगे ठीक है एंड ये कहाँ पर देखा जाता है दरअसल हिल्स साइड्स आर मोर फ्रॉल टू गलिंग वेन

फोर्थ पार्ट में हम क्लास पे किए वन इज वेरी स्मॉल स्मॉल मीडियम एंड डीप एंड नैरो गली वेरी स्मॉल में क्या होता है डेप्थ थ्री मीटर का होता है और विर्थ एट्टीन मीटर का होता है स्मॉल में क्या होता है थ्री मीटर ही डेप्थ रहता है और विर्थ है वो मोर देन एटीन मीटर रहता है मीडियम में क्या होता है थ्री टू नाइन मीटर डेप्थ रहता है और विर्थ मोर देन एटीन मीटर रहता है डीप एंड नैरो गली में क्या रहता है नाइन मीटर डेप्थ रहता है और विर्थ लेस देन एटीन मीटर रहता है इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद रखने देखिए डीप एंड नैरो में क्या होता है विथ ऑब्वियसली मतलब कम ही रहेगा पर डीप मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा रहेगा नाइन मीटर लेस देन एटीन ऐसे करके आप इसको याद रखना समझे आगे बढ़ते हैं जब आप गली को नहीं कंट्रोल पाए मतलब गली वो खत्म हो गया अगर किसी एरिया में मतलब क्या होता है कि आ, कुछ होल्स होते हैं लाइक हमारा जो रैट होल हो गया कि किसी तरह कुछ मतलब डिप्रेशन आ गया तो क्या करेंगे पानी इसके अंदर आ जाएंगे और अंदर जाके इसको इरोड करके लगेंगे एंड फाइनली व्हेन इट विल बी मोर कंसेंट्रेट देन ऊपर का जो हिस्सा है वो भी गिर जाएगा एंड इट विल फॉर्म ए अंडरस्टूड टनल इरोजन ऑकर्स वेन सरफेस वाटर मूव्स इन एंड थ्रू डिस्पोर्सिव सॉप्स मतलब मिट्टी के अंदर अंदर ही इसको इरोजन करके जाएगा द टनल स्टार्ट सरफेस वाटर मूव इन टू दॉय एलॉन्ग क्रैक्स कुछ ही क्रैक्स अगर मिल गया और चैनल थ्रू रेबिड बोरस अगर रेबिड बोरो मिल गया तो उसके अंदर पानी चला जाता है और जाते 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 एक मतलब क्या करता है कि पूरा का पूरा जो मिट्टी है अंदर का वो चला जाता है इरोजन हो जाए ताकि ऊपर का जो हिस्सा वो गिर जाता है दब जाता है तो उसको हम बोलेंगे टनल इरोजन एंड नेक्स्ट ये कहाँ पर होता है सिर्फ फाइव हंड्रेड टू सेवन फिफ्टी मीटर जहाँ पर एलिवेशन होता है ये इस तरह का इरोजन हमको देखने को मिलता है नेक्स्ट इज स्ट्रीम बैंक इरोजन इस ये तो आपको पता ही है जब नदी में मतलब फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है तो क्या करता है जो साइड का जो हिस्सा होता है हमारा जो मिट्टी वो भी उसके साथ चला जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन कोस्टल इरोजन मतलब क्या है कोस्टल एरिया में जो हमारा जो वेव होता है ओके तो ड्यू टू वेव the विंड इज विंड विल blow along with द वेब एंड वो जो मतलब सैंड होता है या एरिया होता है वो धीरे धीरे erode होके रहते हैं और समुद्र जो है वो आगे आगे आते जाते हैं सी रिसेंटली um, क्या होता है कि जो समुद्र का जन है वो आगे आगे आते हैं या पीछे पीछे जाते हैं ठीक है अगर पीछे पीछे जाते हैं तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो धीरे धीरे मतलब इरोड होके रहते हैं और कोई कोई प्लेस में मतलब आगे आते समुद्र जो है वो आगे आते और वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो कवर करने लगते हैं उसको हम बोलते हैं कोस्टल इरोजन तो आज के लिए बस इतना ही कल आ, अगले क्लास में हम मिलेंगे इसका जो इक्वेशन है जो वाटर इरोजन इक्वेशन है उसके साथ हम शुरू करेंगे देन हम डिस्कस करेंगे विंड इरोजन एंड इट्स टाइप एंड हम उसका जो कंट्रोल मेजर्स है कैसे हम इसको रोक सकेंगे तो वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो सब हम डिस्कसेंगे अगले क्लास में ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू गैस थैंक्स फॉर योर टाइम अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है थैंक यू गैस फॉर मोर अपडेट्स जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एग्री बॉस द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक इट आउट